हेलो गाइस, हर हर महादेव। आज है केदारनाथ यात्रा का पहला दिन। घर से शुरुआत कर रहे हैं और सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर तैयार। आज मैंने कुछ बनाया नहीं किचन में, और बज रहे हैं 4:20 हो रहा है पूरा। मैं नहा ली हूँ और हस्बैंड नहा रहे हैं, और मैंने बैग पैक कर लिए हैं। बिल्कुल तैयारी मेरी पहली बार ऐसा है कि जो मैं आराम से मेरी पैकिंग हो गई, मतलब कल नहीं परसों से तैयारी करते करते मतलब रात तक हुई। मतलब सामान वामान सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, कपड़ा वपड़ा बहुत दिक्कत होती है सारी चीज़ें, और लिस्ट भी बनाई और ये सब। अगर आपको परफेक्ट प्लानिंग करनी है तो मेरा एक वीडियो और देख लेना। हालांकि फिर भी अगर इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद ना कोई कमी रही ना, उसका भी व्लॉग बनेगा। और वैसे रह ही जाती कुछ ना कुछ फिर भी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मतलब हमें हर तरह का टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, सीज़न सारे सॉरी सीज़न। तो बैग ये रखे हमारे दो जनों के बैग, ये रखे अपने बैग, एक ये जाएगा हमारे साथ, ये खाने पीने का है। इसमें हमारे चाय का मैं लेके जा रही हूँ, चाय बनाएंगे वहाँ पे होटल में बना लेंगे ना जल्दी उठ गए तो। और ये है हमारा बैग, इस बस दोनों के, इसमें ही कपड़े हैं हमारे। और अब मैं पी रही हूँ चाय, सुबह बस चाय बनाई है, चाय पियेंगे और अब सफ़र चालू करेंगे अपना घर से हर हर महादेव का नाम लेके। देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पहुँच पाते हैं। एग्जैक्ट जब मैं गाड़ी में बैठूंगी वो टाइम तब बताऊँगी आपको। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी हमारे साथ कौन कौन जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं पता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और नहीं पता, अगर जानना है हम कहाँ जा रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखना, पता चल जाएगा। ठीक है, बाय। अभी तो मिलते हैं। दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं हम कार में, और चलते चलते हमें बज गए 5:30। और आज हमारे साथ जा रही है एक और फैमिली, मेरी फ्रेंड और उनके सन। तो हम सब बैठे हैं कार में और अब हम चल दिए हैं। वो आज देखो कौन है, मेरी फ्रेंड है आज हमारे साथ, और ये चला रहे हैं आज गाड़ी चला रहे हैं हमारे भोलेनाथ। तो हम जा रहे हैं आज केदारनाथ जा रहे हैं, हम बताया मैंने। तो अब हम सुबह जो दिखाया मैंने कि अब हम गाड़ी से में बैठ के जल्दी मैं थोड़ा जल्दी कर दी थी सामान वामान दिखा दिया था मैंने आपको। और अब हम थोड़ी सी नींद भी ले ली क्योंकि सुबह हम जल्दी उठे थे और रात में बहुत लेट सो गए, 3 बजे उठ के लग गए। और अब हम पहुँचने वाले हैं हरिद्वार, मतलब दिल्ली से चले और सीधा हरिद्वार रुकेंगे, हम चाय पानी पियेंगे, शायद हमें कोई खिला देगा तो पता नहीं। कह तो रहे हैं कि सीधा वहाँ रुद्रप्रयाग ही, रुद्रप्रयाग वहीं पिलाएंगे, पर देखेंगे शायद हम नहाएंगे तो क्या करेंगे पता नहीं, तो दिखाएंगे हम अभी का। और सो जाओ, लो थोड़ा सा 10-15 मिनट खोल लिया अपनी टॉफी, टाइम पास करेंगे हम टॉफी के साथ पल्स की। और ड्राइवर का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इनका ख्याल रखेंगे तो हमारा ख्याल रहेगा। टॉफी अपनी पल्स की टॉफी खा रहे हैं। पहुंच गए हम तो दिल्ली जो हरिद्वार मनसा देवी मंदिर देखिए। हाँ, ये रही मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी देख लो। ये देखो यहाँ पे आज पूर्णिमा है ना, तो इसीलिए भीड़ है, वही सब स्नान उनान कर रहे हैं। और गंगा जी का पानी थोड़ा सा मिट्टी वाला है, ज़्यादा नहीं है पानी, ठीक है, नॉर्मल सा बढ़िया। हम कहाँ जाएंगे अभी, इसमें जाएंगे है ये देखो, देखा होगा ना हरिद्वार में ये वाले शिव जी। हमने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है, थोड़ा सा ना फोटो वोटो खिंचवाने के लिए हम रुके हैं यहाँ पर। ये तो अभी हम हर की पौड़ी में आ रहे हैं, ये जरी हर की पौड़ी फोटो करवा लिया हमने, यहाँ नीचे उतार लेंगे ना जूते। चलो हर की पौड़ी गंगा जी। हम सुबह घर से नहा कर ही निकले थे और हमारा लंबा सफ़र है, तो हम यहाँ पर हाथ पैर ही धो रहे हैं गंगा जी में और उनका प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और सुबह से कुछ नहीं खाया था तो अभी हम कर रहे हैं हल्का सा ब्रेकफास्ट। मैंने ले लिए पराठा दही, और यहाँ पर चाय नहीं पी मैंने, मीठा मुँह हो गया था पल से, तो पराठा खाया और दही लिया। यहाँ पर पराठा है आलू का, प्याज का, थोड़ा सा दिया है मक्खन,
और यहाँ पर थोड़ा सा बाद में लूँगी मैं अचार। और यहाँ पर इन सब ने लिया है रोटी, दाल और राइस। खाना अच्छा था। और अब हम फिर से चल दिए हैं अपने सफ़र केदारनाथ जी की तरफ। वैसे यहाँ ना सोनप्रयाग में रुकेंगे, ऊपर तो हमें चढ़ाई करनी है, पर नाम तो केदारनाथ जी का ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने सफ़र शुरू कर दिया, पहाड़ी पहाड़ आना स्टार्ट हो गए थे यहाँ से। और आगे चल के तो इतने ख़तरनाक पहाड़ आए, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा मिला हमें। कहीं कहीं तो बिल्कुल पतले पतले रास्ते थे, एक ही गाड़ी आ रही थी, बस एक ही आएगी तो दूसरी फिर जाएगी एक साइड। आज आपके सामने है देवप्रयाग में संगम जो रखा अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का। कितना सुंदर इनका संगम है, देखो एक तरफ से ये ब्राउन कलर का पानी और एक तरफ से हरे कलर का पानी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने लायक, बहुत अच्छा। हम आगे जा रहे थे तो हमने यहाँ रुका और यहाँ देखना लगे हम कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देवों की भूमि देवनगरी। और फिर भी हमने लेमन सोडा, पराठा खाने से ना मन थोड़ा ख़राब हो रहा था पहाड़ में चलने से, और जब ये पिया ना, थोड़ा सा पिया था मैंने, पर मेरा मन सही हो गया इसे पीने से, फिर पूरा सफ़र सही रहा मेरा। हम सोनप्रयाग रुकेंगे तो यहाँ हम रुक गए और बहुत बड़ा जाम लग रहा है यहाँ, देखो ये बहुत वहाँ तक, और गाड़ी हमारी खड़ी है पीछे, एक दो तीन और वो बस के पास यहाँ ये वाली। तो ये जाम है, हम यहाँ उतर गए हैं। और पता क्या हुआ कि ऋषिकेश में जो पराठे खाए थे ना, उससे थोड़ा तबीयत ही ख़राब हो गई, मेरे तो जी सा घबरा गया उससे। बाकी थोड़ी देर सोई, थोड़ी देर वो हिंग गोली खाई, उससे मेरा जी थोड़ा सही हुआ। और मैं पीछे की सीट पर बैठी थी ना, आगे बैठी का व्यू देखा तो थोड़ा मेरा मन सही हो गया, थोड़ा सोई भी। अभी सही है, अभी एक घंटे का सफ़र है, मौसम सुहाना अच्छा है। पीछे ये नदी है और देवप्रयाग भी देखा हमने, इतना बढ़िया उनका आपस में जो संगम था बहुत बढ़िया था अलकनंद। और ये देखो कितना साफ़ पानी है, बहुत साफ पानी, हालत देखो हमारी। तो ये जगह थी अगस्त मुनी गांव है कोई, ये जगह है। तो यहाँ से ना सोनप्रयाग 35-40 किलोमीटर रह जाता है। तो हो गई थी रात और बहुत ज़्यादा जाम मिला हमें, हम सोनप्रयाग देखिए, और ये सब जाम हम पार करते हुए फिर 10 बजे मतलब फाइनली पहुँच ही गए सुबह। और पहुँचे हम 5:30 से, हमने शुरू किया था दिल्ली से और अब 10 बजे सोनप्रयाग पहुँचे हैं हम दिल्ली से। और यहाँ पर भयानक मतलब पब्लिक बहुत है, 2 बजे सुबह और रात के 10 बजे ये टाइम हमें लगा इतना पूरा। और अब हम ढूंढ रहे हैं अपने होटल्स वगैरह, और हालत हो गई थी पूरी ख़राब। और फिर हमने थोड़ा कुछ खाया, चलो भोजन कर लेते हैं क्योंकि सुबह से थोड़ा हल्का सा ही कुछ खा पी रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिया है इनकी जो थाली थी, जिन्होंने 2 तरीके बताई थी, एक इंडियन थाली थी और एक इनकी पहाड़ी थाली थी। तो एक पहाड़ी थाली ली और इंडियन थाली भी ली हमने। पहाड़ी थाली में ना मंडुआ की रोटी थी, और इनकी जो दाल होती है देसी दाल इनकी वो थी एक, और वही प्याज वगैरह ये सभी दे रहे थे। तो मंडुआ की रोटी ना ऐसी लगती है जैसे बाजरे की रोटी होती है ना, काली सी, अभी दिखाऊंगी मैं और उसी तरह की टेस्ट है जैसे कुट्टू का आटा होता है ना, सेम वैसा ही लगता है। ये मंडुआ की रोटी काली सी, और ये दाल है इनकी कुल्थी है, ऐसे कुछ वर्ड है इनके। तो ठीक है, एक बार खाने में तो खा सकते हैं आप, टेस्ट जरूर करें। और ये इंडियन थाली थी, सिंपल रोटी सब्जी और खीर भी दी थी इनके लिए, और यहाँ पे दाल और ये मिक्स वेज थी, खीर थी, पापड़ था और रोटी और सलाद और चटनी थी, और चटनी वो थी भांग के बीज की, बहुत अच्छी थी। और ये है हमारा रूम, देखो वैसे थोड़ा ठीक ठाक सा है, बढ़िया मिल गया था हमें। यहाँ पर ना रेट सारे बहुत ज़्यादा हो गए थे रूम के, बहुत भीड़ हो गई है ना, ऊपर वीकेंड था इसलिए सब जगह हमें जाम भी मिला और रूम्स भी महंगे मिले। तो यहाँ पर ना ये हमारा 3,000 का रूम है, और वैसे अगर ऑफ सीज़न में आप आओगे जब छुट्टियाँ वगैरह नहीं रहती तो ये 1,000 रुपये में रूम में मिल जाएगा आपको। तो हमने काम चलो काम ठीक ठाक सा है, काम चल जाएगा, हमें तो मतलब कुछ ही घंटे रुकना है यहाँ पर, तो हम अभी आराम करेंगे और फिर अपने सुबह की केदारनाथ यात्रा शुरू करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप।
तो केदारनाथ यात्रा के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई पैदल का रास्ता कैसा है, यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी इस मेरे व्लॉग में। तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, काफ़ी जो मदद हो जाए कि नेक्स्ट व्लॉग देख पाए, क्योंकि केदारनाथ जाने के बहुत लोग सोचते हैं, उनका सपना रहता है। तो चलते हैं, हर हर महादेव। अभी हर हर महादेव।